नमस्कार, मैं डीसी हिसार डॉक्टर प्रियंका सोनी बोल रही हूँ। कल 4 मई से हमारे हिसार ज़िले में, क्योंकि अभी ऑरेंज जोन में आ चुका है हिसार ज़िला, तो काफ़ी सारी रियायतें गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई हैं, जिसमें प्रमुखतः जो ऑटो रिक्शास हैं, साइकिल रिक्शास हैं, इनका मूवमेंट जो है हमारे सिटी में स्टार्ट हो सकता है। जितने भी कार्स हैं उससे भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इन तीनों ही कंडीशंस में आगे एक ड्राइवर और पीछे केवल 2 सवारी ही बैठ सकती हैं। स्कूटर्स और बाइक पे केवल 2 व्यक्ति ही बैठ के सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, स्पा हैं, वो भी खुले रह सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी चल सकती है। जिन्होंने अपने घरों का या अपने कोई भी संस्थानों का कंस्ट्रक्शन कराना है, वहाँ पर जो भी लेबर है उसे आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। जितनी भी ई कॉमर्स की एक्टिविटी हैं वो पहले भी चली आ रही थी और अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वो सभी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। जो मेन बाज़ार हैं हमारे शहरों के वो खुले रह सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुले नहीं रहेंगे। जितने भी प्राइवेट ऑफिसर्स हैं वो भी खुले रह सकते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने OPDs और क्लिनिक्स को भी चला सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सभी खुले रहेंगे। जितने भी ट्रक्स का मूवमेंट है किसी सामान को लेकर, वो भी मूवमेंट हो सकता है। इन सभी चीज़ों में जो मेन पॉइंट है वो है सोशल डिस्टेंस को रखना पड़ेगा ध्यान में। सोशल डिस्टेंस किस प्रकार से ध्यान रखना वो मैं आपको एक बार विस्तृत रूप से बता देती हूँ। एक दुकान में एट ए टाइम 5 से ज़्यादा कस्टमर ना हो, और यदि दुकान छोटी हो तो उसमें 1 या 2 से ज़्यादा कस्टमर्स ना हो। चाहे OPD चला रहे हों या हॉस्पिटल्स चला रहे हों, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है घर से बाहर, उसे अपना फेस कवर करना पड़ेगा, चाहे वो दुपट्टे से करे, मास्क से करे, या वो गमछे से करे, या रुमाल से करे। इसके अलावा हर एक जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उनसे अनुरोध करेंगे हम कि आप अपने एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सैनिटाइज़र अवश्य रखें। समय समय पर जो आपके फ्लोर है उसकी सैनिटाइजेशन कराएं, जो डोर हैंडल्स है उनकी भी सैनिटाइजेशन कराएं। और यहाँ तक भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने गेट्स को यदि खुला रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार गेट खोलने और बंद करने में जो लोग उसे टच करते हैं तो उससे जो कीटाणु है उनका फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। अभी ACs का भी उपयोग कम से कम करें, क्योंकि AC में यदि एक बार कीटाणु आ जाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे शॉप्स हैं उनको आपस में इस प्रकार से टाइप रखना चाहिए कस्टमर्स के साथ कि उनकी दुकान में कभी भी रश ना हो। एक और बात जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो सभी रियायतें हैं ये केवल तब तक है जब तक हमारा हिसार ज़िला ऑरेंज जोन के अंदर है। जैसे ही हमारा ज़िला रेड जोन में आएगा, जो कि हर एक हफ्ते में बदली जाएगी जो हमारी कंडीशन है, तो हाँ ये सभी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। और यदि हमारे ज़िले में आगे आने वाले समय में कोई भी केस नहीं आता तो हो सकता है हमारा ज़िला ग्रीन जोन में भी आ जाए और ये सारी एक्टिविटी और भी खुले रूप से चलने लग जाएंगी। इन सब एक्टिविटी जो कि परमिटेड हो चुकी हैं 4 मई से, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो टोटली बैंड रहेंगी। प्रमुखतया इसमें से शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरे ज़िले में कर्फ्यू रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से बाहर नहीं निकल सकता एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसीज। कहीं पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बाहर पब्लिक में निकलने पर फेस अवश्य कवर करके रखना पड़ेगा। जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की पहले लंबी बीमारी चली आ रही है, जैसे कैंसर के पेशेंट है, शुगर के, BP के, SO2 से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के, अस्थमा के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के, और जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, इन्हें घर पे ही रहना कंपलसरी है। ये लोग किसी भी सूरत में बाहर ना निकले एक्सेप्ट फॉर हेल्थ कंडीशंस। किसी भी प्रकार का बस या ट्रेन का मूवमेंट हमारे ज़िले से नहीं होगा। किसी भी प्रकार का इंटर स्टेट मूवमेंट हमारे ज़िले से अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट सीरियस मेडिकल कंडीशंस। सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेजेस, प्री स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस सभी बंद रहेंगे। ये सभी लोग ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार के होटल्स बंद रहेंगे एक्सेप्ट जो डॉक्टर्स के लिए, पुलिस पर्सनल्स के लिए, क्वारंटीन लोगों के लिए, और जो स्ट्रैंडेड टूरिस्ट उनके लिए हमने रखे हुए हैं। उनके अलावा सभी होटल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, बार्स, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, ये सभी पूर्णतया बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक,
कल्चरल रिलीजियस इस प्रकार की कोई भी गैदरिंग है, लोगों को इकट्ठा होना इस संबंध में बिल्कुल भी प्रतिबंधित होगा। सभी प्रकार के जो धार्मिक संस्थान हैं वो भी प्रतिबंधित रहेंगे और लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे स्थानों पर ना जाएं क्योंकि ये आने वाले समय तक प्रतिबंधित हैं। कहीं पर भी यदि अंतिम संस्कार है तो वहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। पब्लिक में थूकना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो कोरोना का संक्रमण है ये ड्रॉपलेट से फैलता है, तो ऐसे समय में थूकने से उसके संक्रमण होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि किसी को पब्लिक में थूकते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक हो सके मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो हर आइटम की होम डिलीवरी पे प्रेफरेंस दे। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति की डिलीवरी करने के बाद वो जो आइटम देखे गए उसको भी सैनिटाइज करके फिर उसको खोलना शुरू करें। और सिमिलरली जो दुकानदार हैं उनसे भी मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप बार बार अपने डोर हैंडल्स को सैनिटाइज करें। जब भी कोई ग्राहक आपकी दुकान में आते हैं तो उनके हाथ सैनिटाइज कराएं। जब वो आपका प्रोडक्ट ले ले और उसके बाद में पैसे दे उसके बाद में अभी आप हैंड सैनिटाइज कराएं, क्योंकि जो करेंसी है उसके माध्यम से भी कीटाणु एक्सचेंज हो सकते हैं। जो सब्जी मंडियाँ हैं वो भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुली रहेगी। लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने घरों में ही जो रेडी वाले आ रहे हैं सब्जी देने, सबसे पहले उन्हीं से ही सब्जी लें, क्योंकि सब्जी मंडी में जैसे कि आपने सुना होगा और ज़िलों में कई सारे केसेस पाए गए हैं और बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे समय में जो सब्जी मंडी है वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। आप अपने घरों पे रहें और प्रशासन के द्वारा जो रेडी वालों को पासेस दिए हुए हैं वो ऑलरेडी आपके एरियाज में आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, उनसे ही सब्जियाँ लेना प्रेफर करें। जहाँ तक हो सके स्टे एट होम की ही पालना करें। जितना ज़रूरी हो उतने ही आवश्यक काम के लिए घर से निकले और सीधा वापस घर ही आए। घर में एंटर होने से पहले अपने हाथ और मुंह को अवश्य धो लें ताकि बाहर से जो कोई भी संक्रमण है वो आपके घर परिवार में ना फैल सके। आप सभी हिसारवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप जो है उसका डाउनलोड करें। जो ये रियायतें सरकार के द्वारा दी गई हैं इसके चलते आशा है कि आगे आने वाले शुरू के 1-2 दिन थोड़ा रश हो सकता है बाज़ारों में, तो लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप यदि आवश्यक ना हो तो बुधवार से अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश करें। जिन्हें अत्यंत आवश्यक है वो सोमवार और मंगलवार में निकले और अन्यथा क्योंकि इन दिनों में हो सकता है थोड़ा रश हो बाज़ारों में और आपको संक्रमण के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो आगे बुधवार के समय में आप बाहर निकले। और जो आपके शॉपकीपर हैं उनसे एक बार कॉल करके आप वहाँ की स्थिति जान लें। यदि वहाँ रश कम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। और शॉपकीपर से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके दुकान पे ये सभी जो हमारे नेशनल डायरेक्टिव्स हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, चाहे सैनिटाइजेशन को लेकर है, फेस मास्क को लेकर है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर है, इन सबकी आप दृढ़ता से पालना करें। यदि आप पालना नहीं करते और यदि ये पाया जाता है कि आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपकी दुकान को आगे आने वाले समय तक बंद कर दिया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि हमें ऐसा कोई कठिन कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके आपस में मिलना जुलना कम से कम रखें, जितना आवश्यक हो केवल उतना ही रखें। जो प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की ही परमिशन दें, उनको अनावश्यक रूप से अपने ऑफिसर्स में ना बुलाएं, इससे संक्रमण फैलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आने वाले समय में हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो सभी एरियाज में सर्वे कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग उनका कोऑपरेशन करें। वो सब आपके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आ रहे हैं, उनका पूरा आप सहयोग करें। ये जो अभी हमने कुछ एक रियायतें बताई हैं आपको, जैसे दुकानें खुल जाएंगी, ये सभी रियायतें जो 2 हमारे कंटेनमेंट जोन हैं जैसे MC कॉलोनी और DC कॉलोनी शहरी क्षेत्र के अंदर और दड़ोली और चुली बागियान गाँव, इनमें ये रियायतें अप्लीकेबल नहीं होंगी। इन क्षेत्रों में कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी और किसी का भी मूवमेंट भी अलाउड नहीं होगा। केवल जो स्पेशल पास धारक है वही लोग यहाँ पे आ पाएंगे या जा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं सभी हिसारवासियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि पिछले लगभग 1.5 महीने से आप सभी लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है कि जिसके चलते हमारे यहाँ संक्रमण के केसेस बहुत ही कम पाए गए हैं। पर अभी भी कोरोना फैलने के चांसेस बहुत हाई है। हमारे आसपास के जिलों में भी कई कोरोना के केसेस मिले हैं और जब तक हम ऑरेंज जोन में हैं तब तक हमें आर्थिक गतिविधियां करने की रियायतें और छूट मिली रहेगी। और यदि हमारा ज़िले में केसेस बढ़ते हैं तो हमारा ज़िला रेड जोन में आ जाएगा और ये सभी जो रियायतें दी हुई हैं वो बंद हो जाएगी और जैसे 3 मई से पहले हमारा ज़िला चलता आया है उसी प्रकार से चलेगा। और यदि हमारे आने वाले समय में कोई भी केसेस नहीं आते तो हो सकता है हमारा ज़िला ग्रीन जोन में आ जाए। ग्रीन जोन में आने से
हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूर्ण रूप से जैसे लॉकडाउन से पहले चल रही थी लगभग उसी प्रकार से चलने भी शुरू हो सकती हैं। तो ये निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप और हम साथ मिलकर हिसाब को कोरोना से बचा के रखते हैं और अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसे सुचारू रूप से चलाए रखते हैं। आशा करती हूँ कि जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनका आप सभी लोग कटिबद्ध होकर उसकी पालना करेंगे और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे प्रशासन को आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्ताई करनी पड़े। धन्यवाद।